जर्नी एक्सप्रेस की सफ़र में हम यही कोशिश में रहते हैं कुछ अच्छी और अलग सी विषयों को आपके सामने ला सके। इसलिए छोटी से छोटी जगहें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जर्नी एक्सप्रेस जो जगहें दिखाने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों के लिए भावनाओं से भरपूर एक प्रसिद्ध जगह है। हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस में मैं देवाशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। जर्नी एक्सप्रेस की नई यात्रियों से ये अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ जर्नी एक्सप्रेस में आपके रिजर्वेशन को कंफर्म कर लीजिए और हमारे साथ इस यात्रा की साक्षी बनिए। आज हम जिस जगह को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो है कमरपुकुर और जैरमबाटी। ये दोनों जगहें एक कारणवश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कमरपुकुर प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था, उनको युग अवतार भी माना जाता है। काली माता की एक निष्ठावान साधक भी थे, उनकी सहधर्मिनी थे माता शारदा देवी, जिनका नाम जैरमबाटी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जैरमबाटी में उनकी एक आश्रम भी है। तो आज इस वीडियो में इन जगहों को कुछ हद तक विस्तार से जानने वाले हैं, तो देखते हैं आज का वीडियो। कैमन आछो बंधुरा? हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है। अखन हमरा दाड़िया छी गोघाट स्टेशन है। अभी हम लोग गोघाट स्टेशन में खड़े हैं। गोघाट कमरपुकुर और जैरमबाटी एक्सेस करने का स्टेशन है। चलिए दोस्तों, अभी हम जैरमबाटी और कमरपुकुर को एक्सेस करते हैं। गोघाट स्टेशन की बाहर से हमने एक टोटो हायर किया और हम निकल पड़े एक और सफर तय करने के लिए। गोघाट स्टेशन के बाहर से टोटो के अलावा भी आपको छोटी गाड़ी जैसे मारुति ओमनी, सुमो और रिक्शा भी मिल जाएगी। जो आपके बजट में आते हैं उसको आप हायर कर सकते हो, लेकिन चौंकना रहिए, ये लोग हर वक्त यही कोशिश में रहते हैं कैसे और ज़्यादा पैसा आप लोगों से हड़प सके। रास्ते में चलते चलते बहुत सारी ऑफर्स आपको देते रहेंगे, सावधानी से डील कीजिए, नहीं तो ज़्यादा रुपए देने हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अपनारा ये वीडियो टा ब्लॉगिंग टा भालो कोड़े देखूँ एवं नतून जो जायगा टा हमरा तुले धरते जाची, हयतो अपनारा जानें, अपनारा एखाने एसेछेन, जारा एखाने आसबे तारा हयतो जाने, কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য এটা ভিডিওটা বানানো রইল। তো সাবস্ক্রাইব কিজিয়ে আর বেল আইকনটা ভি ক্লিক কিজিয়ে আর জার্নি এক্সপ্রেস দেখতে রইল। হম সবই জব কিসি ভি জগা পে সফর কে লিয়ে জাতে হ্যায় বহুত এসি ছোটি ছোটি জগায় হোতি হ্যায় জো হমসে ছুট জাতে হ্যায়, লেকিন ও ছোটি সি জগা কুছ কারণ বশ মহত্বপূর্ণ হোতি হ্যায়, এ হামারে জেহেন মে উতনি গম্ভীরতা সে নেই লে পাতে হ্যায়। ऐसी ही एक जगह को आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस जगह की खासियत ये जो तालाब देख रहे हो इसकी वजह से है। स्थानीय लोगों से इस तालाब का नाम पड़ा है भावर दीघी। इस तालाब से स्थानीय लोगों की बहुत ही लगाव है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग किसी भी हाल पे इस तालाब से अपना ये लगाव खोना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे गोघाट से आप एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में जा सकते हो, वैसे ही बिष्णुपुर भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो गोघाट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर गोघाट और बिष्णुपुर के बीच ट्रेन लाइन बन जाए तो बहुत ही कम समय में, कम खर्च में
और आसानी से कामारपुकुर और जयरामबाटी की सफर खत्म कर लेने के बाद विष्णुपुर के लिए गोघाट से ट्रेन पकड़ के भी आप जा सकते हो। लेकिन स्थानीय लोगों और इस तालाब के बीच एक ऐसी रिश्ता बन गया है जिसकी वजह से यहाँ के लोग किसी भी हाल पे इस तालाब को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर गोघाट और विष्णुपुर के बीच ट्रेन लाइन बन जाए तो इस तालाब के ऊपर से लाइन बिछाना होगा और ये बात यहाँ के निवासियों को मंजूर नहीं है। इसकी वजह से गोघाट और विष्णुपुर के बीच ट्रेन लाइनें अब तक बन नहीं पाया। हमें ये पूरी घटना हमारे टोटो ड्राइवर से पता चला है। भावर दीघी से निकल के अब हम आए हैं सिंहवाहिनी मंदिर में। ये जो मंदिर आप देख रहे हो इसे सिंहवाहिनी मंदिर कहा जाता है। आप सभी इस मंदिर की दर्शन कीजिए। लास्ट टाइम आपने जो व्लॉगिंग विष्णुपुर का देखा था उसी से शुरू करते हुए आज हम लोग आ पहुंचे हैं। बहुत ही खास जगह है और पवित्र जगह है। आज हम आए हैं जयरामबाटी। तो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए नए बात नहीं है, लेकिन हमारे जो दोस्त पश्चिम बंगाल के बाहर के रहने वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जयरामबाटी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही स्पिरिचुअल और पवित्र जगह है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। तो अगर आप जयरामबाटी के बारे में कुछ अलग से जानना चाहते हो तो हमारे जो ब्लॉगिंग है वो अंत तक देखते रहिए और इसके बारे में पूरी तरह से आप जानकारी ले लीजिए। जयरामबाटी की मुख्य आकर्षण है मातृ मंदिर, यानी कि माता शारदा देवी की आश्रम। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हो वो मातृ मंदिर की बाहरी हिस्सा है। ये आश्रम की मुख्य प्रवेश द्वार है। अंदर प्रवेश करने के बाद आप किसी भी तरह की फोटो और वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। यहाँ के अथॉरिटी से ये नियम लागू किया गया है, इसलिए हम यहाँ की फोटो और वीडियो शूट नहीं कर पाए। गेट से प्रवेश करने के बाद आप बाएं तरफ मुड़ जाना, वहाँ पे ऑफिस है जहाँ से आप सभी भोग का प्रसाद खाने के लिए कूपन भी ले सकते हो और उसके लिए कुछ दान भी करना पड़ता है। ये रही कूपन। सुबह 11:30 बजे से प्रसाद दिया जाता है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हो ये मुख्य प्रवेश द्वार का भीतरी हिस्सा है। इस गेट में बंगाली में लिखा है, इसका मतलब है अगर माँ साथ है तो संतानों को डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखते रहिए और भी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। माँ शारदा का आश्रम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे आप एक अच्छा अनुभव कर सकते हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। और जो भी है एक यहाँ पे 11:30 बजे से भोग वितरण होता है। हम लोग अभी भोग खा के आ रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इसके बारे में मैं बता देता हूँ, भोग खाने के लिए आपको कूपन लेना पड़ता है ऑफिस से। तो उसके बाद अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो। प्रसाद लेने का टाइम है 11:30 सुबह के 11:30 बजे से। और प्रसाद लेने के लिए 3 लाइन होती है, एक पुरुषों के लिए होती है, दूसरा महिला के लिए और तीसरा जो लाइन है वो बुजुर्गों के लिए होती है। एक और स्पेशल लाइन है जो यहाँ के गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं उनके लिए एक अलग सा लाइन होता है जो पिछले के हिस्से से उनको प्रवेश करवाया जाता है। जिन्होंने अब तक विष्णुपुर का व्लॉगिंग देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको पहले विजिट करके आप इसको विजिट करो, ठीक है ना। और पुरुलिया का भी व्लॉगिंग इससे पहले दिया हुआ है। जो अयोध्या पहाड़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सेंट्रल पुरुलिया सर्किट का वो हिस्सा पूरा कवर अप किया हुआ है, आप उसको भी जरूर जाके विजिट कीजिएगा। अभी जो इमारत आपके सामने आ रहे हैं वो बैरकपुर रामकृष्ण मिशन द्वारा बनाया गया एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे भी मातृ मंदिर जैसे फोटो और वीडियो शूट करना मना है। हमने स्पेशल परमिशन लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, इससे ज़्यादा हमें शूट नहीं करने दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जहाँ पे आए हैं वो एक छोटी सी गांव है जिसका नाम है देरेग्राम। हम क्यों छोटी सी एक गांव को आप सभी को दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। देरेग्राम भले ही एक छोटी सी गांव है लेकिन इस गांव की ऐतिहासिक महत्वपूर्णता बहुत बड़ी है। ये जो घर आप इस वीडियो में देख रहे हो, एक समय यहाँ पे युग अवतार रामकृष्ण जी का पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय रहते थे और माता का नाम था चंद्रामणि देवी। तो आप समझ सकते हो ये निवास स्थल किसी तीर्थ भूमि से कम नहीं है। इस निवास स्थल को वर्तमान में खुदीराम रामकृष्ण सेवाश्रम कहा जाता है। ये कहा जाता है उन दिनों में इस इलाके की जो जमींदार थे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के माता पिता को उनकी बात ना मानने पर इस गांव से निष्कासित किया था। इसके बाद दोनों कमरपुकुर चले आए जहां पे रामकृष्ण जी का जन्म हुआ। इस पवित्र घर में रामकृष्ण जी ने बाल्यावस्था में कुछ साल बिताए थे। तो आप ही विचार कीजिए ये जगह कितनी पवित्र है। ये रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनका बचपन का नाम थे गदाधर। तो हमारे जो पश्चिम बंगाल के निवासी वो तो जानते ही होंगे, अपनारा तो जानेंगे। तो हमारे जो बाहर के मित्र हैं, जो पश्चिम बंगाल के बाहर के रहने वाले, उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनका बचपन का नाम था गदाधर। और उन बचपन में वो बहुत ही शरारती थे, इसलिए यहाँ से उनको भेजा गया था किसी दूसरे और दूसरे जगह जहाँ पे वो बड़े हुए थे। अपने मामा के घर गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा बचपन और जवानी बिताई। उसके बाद का इतिहास तो हम सभी को पता है। तो यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे उस जगह पे। आप हमारे जो गाइड हैं उनके मुंह से इस प्लेस का वर्णना सुनिए। आप बोलो। এটাছি ঠাকুরের পাঠশালা, রামকৃষ্ণ যখন ছোট ছিলেন এটা হচ্ছে বাবার জন্মস্থান মাটির বাড়িটা, আর এটা হচ্ছে ঠাকুরের গাছে আম গাছ। ঠাকুর নিজ হাতে খেলতে খেলতে আঁচিটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন সেই ঠাকুরের গাছে আম গাছ বাড়িটা। এগুলো সব কটায় খোলে? এটা চারটে খুলবে, সব চারটে। হ্যাঁ, মন্দির চারটে খুলে, আর সিজন হচ্ছে সাড়ে তিনটে খুলে। সো ফ্রেন্ডস, আপ লোগ মেরে সাথ एक आंटी को देख रहे हो, ये यहाँ की गाइड है। एटा तो जयरामबाटी ना, एटा कामरपुकुर। तो कामरपुकुर जब भी आप यहाँ पे आओगे तो इनको आप मिल जाओगे। तो अपना नाम तो बोलो ना। तो हमारा नाम असीमा मार। असीम? असीमा मार। असीमा मार, तो इनका नाम है असीमा मार और ये गाइड का काम करती हैं। हमें तो अच्छी तरह से ये यहाँ के जितने भी मंदिर या जो कोई भी है यहाँ के, उनको हम लोगों को काफ़ी अच्छा उन लोगों ने टूर कराया है, टूर करा भी रही है हम लोगों को। हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि आप जब भी आओ तो इन असीमा जैसी और भी यहाँ पे काफ़ी गाइड है, तो कोई भी एक आप गाइड चूज कर सकते हो। ठीक है। ধর্মদালা কন্যা ছিলেন না, ওদি বাড়ি গয়না দিয়ে মাকে সাজিয়েছিলেন। তো লাহারা গয়না চাচি দেয় না, মা ঘুমে যাওয়ার পর রামকৃষ্ণ খুলে ফিরে দিলেন। মা তো ছোটো কাঞ্চি গয়নায় কোথায় গেল, ঠাকুর বাজে কান্ত হবে না, ধোয়া দিয়ে দূরে সারগাওয়ালা দিয়ে মাকে এখানে সাজিয়ে দিয়েছিল। আর ঠাকুরের মা ঠাকুরকে তো খাই দিয়ে পাঠশালায় পাঠাতেন, ঠাকুরের পাঠশালায় পড়তেন না, যে ওই বিষ্ণু মন্দিরে মা কালী ছবি আঁকতে ধ্যান করতেন আর লাঞ্চলাকে যে নুকুনুকি পুজো করতেন। লাদে দুর্গা মন্দির, আশ্বিন মাসে লাদে দুর্গা পুজো হয়, এ দুর্গা ঠাকুর ভাসি দেয় দিয়ে কাঠম মনিকেরা নতুন করে বানিয়ে পুজো হয়। এখানে সব মহিলা গায়ে বিষ্ণু মন্দির, ঠাকুরের মা ঠাকুরকে পাঁচ বছর বয়সে খাই দিয়ে পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। ঠাকুর এই পাঠশালাতে না গিয়ে এই বিষ্ণু মন্দিরে চলে আসতে, এসে মা কালীর ছবি আঁকতে ধ্যান করতে লাঞ্চলাকে পুজো করতে। এটা তিনতলা বাড়ি দাদা,
নিচে একতলা, ভিতরে তার উপর তিনতলা বাড়ি। ওই বর্গিরা যখন আসতে না লুটপাট করতেন, আবার যখন বর্গিরা চলে যেতেন ও গয়না গাঁথে নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকিয়ে থাকতেন। আর কার্তিক মাসে লাহাউদের রাস পূর্ণিমা হয় না, লাহাবাউদের রাসে ঠাকুর। दोस्तों हम जब भी किसी जगह जाते हैं वहाँ से गाइड लेते हैं, तो हर बार क्या होता है हम पुरुषों को ही देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने पहली बार महिला गाइड को देख रहा हूँ। तो आपका नाम फिर से, अपना नाम था बोले तो? असीमा मार। तो असीमा मार हमारे पहले महिला गाइड है जो हमको कमरपुकुर दिखा रही है, ठीक है। যে গোপেশ্বর শিব মন্দির, আমি কি শুনে মা যখন ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে পাগল হয়ে গেল না, মামা করে কাঁদছেন, ঠাকুরের মা চান করে খান তিন দিন হতে দিলেন, এসে বাদে দিলে তুই বুড়ো শিব মন্দিরে যা, এখান থেকে 2 কিলোমিটার। সেই শিব বলে তুই ঘরকে ফিরে যা, তোর ছেলে পাগল নয় ভগবানকে পাওয়ার জন্য। এই পিছনে পুকুর নামে গ্রামের নাম কামারপুকুর। সো দোস্তো, জেসে আমারে গাইড নে বাতায়া হাম ইস कमारपुकुर का नाम कैसे कमारपुकुर पड़ा, तो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है आपको। ये तालाब मतलब पुकुर बंगला में कहते हैं, और कामार मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं लोहार, तो बंगला में उन्हें कामार कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम कमारपुकुर पड़ा। ওই ধনীমা পরিবে দেখছি রামকৃষ্ণের ছায়মুখে পড়াছে, ঠাকুরের গাদে বসছে ঠাকুর যদি আসছে, তখন বলছে কিরে গদা গাদে ভিক্ষেলবি, ঠাকুর গদ হয়েছিল ধনীমা ছেড়ে ভিক্ষা নেই। বাপের বাড়ি ছিল জয়রামবাটি, কামারপুকুর শ্বশুর বাড়ি। মা এসে কাঞ্চে দুপুর পড়ছে গঙ্গা নেয় চান করব কোথায়, ঠাকুরের গাড়িতে গঙ্গা দিয়ে হালদা পুকুরে পড়লি। তো মা বলছে তো আমি একা একা চান করব না, আমাকে খুব ভয় লাগে। মাকে তখন পেছনে চারজন এগিয়ে চারজন অশ্বসখী দিলেন, ওই চান করার সময় নিজেতে নিয়ে আসতেন। এখানে বিয়ে বাড়ি ও ভোজন বাড়ি এখানে চান টান করে এখানে ঠাকুরকে বিসর্জন। এই হচ্ছে ছোট গঙ্গা। দোস্তো ইয়াকো ইসকো ছোটা গঙ্গা কাহা জাতা হে, আপ দেখ লো। आप तो ये सोच रहे होंगे कि जयरामबाटी या कमरपुकुर कैसे आ सकते हैं। आप हावड़ा से आ सकते हो 7:25 का लोकल पकड़ के, उससे भी पहले लोकल है, लेकिन अगर आप 10 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाओ तो काफ़ी वो कन्वीनियंट रहेगा। आप विष्णुपुर से भी आ सकते हो जो यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और आप आरामबाग से भी आ सकते हो। तो हम लोगों के लिए गोघाट जो एक स्टेशन है, लास्ट स्टॉपेज है हावड़ा गोघाट, लोकल पकड़ के आप, हम लोगों ने सैरफुली से 8 बजे लोकल पकड़ा था, तो करीबन 2 घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग गोघाट पहुँचे। वहाँ पे हम लोग एक टोटो लिए, तो टोटो में हमें पूरे डे का जो विजिट है वो 800 रुपीज़ यानी 400 रुपीज़ पर हेड, और करीबन 10 बजे वो आपको गोघाट ड्रॉप करेगी, ठीक है ना। तो 2.5 घंटे का एक लंबा सफ़र है आपको तय करना है, उसके बाद आप यहाँ से टोटो लेंगे, तो टोटो वाले का नाम नंबर और फ्लैश कर देंगे हम लोग। और मैं जो बोलना चाहूँगा, अगर आप बैरकपुर से आना चाहते हो तो बैरकपुर से आने के लिए आप सैवड़ा पुली आइए, सैवड़ा से आप घाट पार कीजिए, घाट पार होने के बाद सुबह के 8 बजे एक गोघाट लोकल है, वही लोकल जो हावड़ा से छूटती है, वही लोकल आप पकड़ के यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। बस तो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, ठीक है। तो घंटी बजाना मत भूलिएगा, घंटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम बना सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को फैलाइए ताकि शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से लोग जान पाए कि आप कमरपुकुर कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कितना खर्च होगा, क्या क्या देखना होगा, क्या एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। और इससे बता दूँ, हम लोगों ने जहाँ से अंत किया था विष्णुपुर से, वो वाला ब्लॉग जस्ट ख़त्म हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उससे पहले पूर्णिया का व्लॉग था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये व्लॉग देखने से पहले वो व्लॉग ज़रूर विजिट कीजिए और देखते रहिए जर्नी एक्सप्रेस। चलिए।